Hi everyone, I'm Ruchi and welcome. Feeling grateful, feeling appreciative and feeling thankful. ये ऐसा process है जो हर person law of attraction के बारे में आपको बता रहा है या सिखा रहा है कि कैसे उसे apply करते हैं. ये एक ऐसा process है जो हर person आपको कह रहा है कि आपको every single day करना चाहिए. I mean, it is one thing जो Oprah Winfrey या Angelo every single day. तो gratitude एक ऐसी चीज है जो आपको every single day करनी चाहिए ताकि universe आपको सिचुएशन दे ताकि आप और थैंकफुल और ग्रेटफुल हो सको. हम अपनी लाइफ में कितनी चीजों को बिल्कुल लाइटली लेते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आवर लाइफ, वी थिंक वी हैव टुमारो बट हु नोज व्हाट्स गोना हैपन टुमारो. तो जब भी आप सुबह उठते हैं ग्रेटफुल फील करिए अपनी लाइफ और अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि जिस दिन आप उठे हैं आपने एक नया मॉर्निंग देखा, यू हैव सीन अ सन दैट डे. बहुत ऐसी फैमिली है जिन्होंने अपनी लव्ड वंस को लूज कर दिया उस दिन. तो ऐसे ही आपको ग्रेटफुल फील करना चाहिए, थैंकफुल फील करना चाहिए. जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में गवर्न हो रही हैं आपके अकॉर्डिंगली, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके अदर लव्ड वंस हो, स्टार्ट बीइंग अप्रिशिएटिव दैट यू हैव सो मेनी पीपल इन योर लाइफ हु लव्स यू. कोई पर्सन आपको अपनी एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है और आपके पास जब वो मनी होता है उसकी उस सर्विसेज को पे करने के लिए, रीपे करने के लिए, तो हमेशा थैंकफुल होना चाहिए कि वी कैन यूज दैट सर्विस. थैंकफुल फील करना चाहिए कि कोई पर्सन आपको हेल्प कर रहा है. ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो हर किसी को करनी चाहिए अपनी लाइफ में. मैं खुद कर रही हूँ. सिंस 2012 बुक पढ़ी थी द सीक्रेट बाय रोंडा बायरन, और तब से मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल बना रही हूँ और एवरी सिंगल डे कोई भी 5-6 मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ मैं उसमें हमेशा लिखती हूँ. और ऐसे ही आपको भी करना चाहिए. हमेशा आपको ग्रैटिट्यूड करना ही चाहिए. अगर आप लिखना नहीं चाहते, आपको लगता है बहुत बोरिंग है, तो डेफिनेटली आप मन मन में वो चीज़ें फील करें, थैंक यू बोलें और ग्रैटिट्यूड फील करें. इमोशंस अपनी वाइब्रेशंस को हायर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करेंगे. यूनिवर्स विल ब्रिंग मोर थिंग्स इन योर लाइफ जिसके लिए आप और थैंकफुल और ग्रेटफुल हो सकें. स्टॉप थिंकिंग अपनी लाइफ में चीज़ों को एंटाइटलमेंट के थ्रू देखना छोड़ दीजिए कि ये तो आपको मिल ही सकता है. इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग जो आपको मिल ही रहा है क्योंकि बहुत लोगों को मिल रहा है. लेट मी टेल यू वन थिंग थ्रू दिस वीडियो, इलेक्ट्रिसिटी को एंजॉय सब नहीं कर पा रहे हैं. इंडिया में आज ऐसे बहुत सारे विलेज हैं जिनको ऑथोराइज भी नहीं किया गया है एज अ विलेज ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी एंजॉय कर पाए. कितना आसान है आपके लिए वाटर यूज करना, स्पेशली क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस यूज करना. But there are many people has to walk kilometers and kilometers just to fetch a clean water for drinking. हम चीज़ों को for granted ना ले, thank you feel करने लगे. अगर आपकी life में कुछ चीज़ें आपके accordingly govern नहीं हो रही है तो देखें अपने आस पास कि आप किन situations या किन लोगों को लेके gratitude pay कर सकते हैं. And trust me, universe going to bring more things in your life to be grateful for. And it will seem like आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में मैजिक होने लग गया और मिरेकल होने लग गया है बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स जो आपकी लाइफ में लाइंड अप होना शुरू हो गई है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था. इनफैक्ट आपके आस पास के लोग भी आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि what are you doing so right कि आपको चीजें बहुत आराम से मिलना शुरू हो गई हैं. And it is of one and one simple thing that is gratitude. या तो journaling करिए या कभी आप walk पर जा रहे हैं तो 5-10 मिनट gratitude feel करें. आज के वक्त में, आज के time पे अगर मैं अपना example लूँ, thankfulness, thank you feel करना मेरे लिए बहुत छोटा word हो गया है. I feel blessed to have every single thing in my life right now. मैं God की इसको blessing बोलती हूँ. रिमेंबर वन थिंग, जब आप ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ग्रेटफुल होने का, थैंक यू फॉर द एयर, थैंक यू फॉर द वाटर, थैंक यू फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, थैंक यू फॉर द फैमिली, थैंक यू फॉर द फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द फूड यू आर हैविंग, थैंक यू फॉर द ऑल द सर्विसेज दैट यू कैन पे फॉर, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर दोज पीपल हु आर हेल्पिंग यू, थैंक यू फॉर द कोजी बेड, थैंक यू फॉर द योर फोन दैट यू कैन टॉक टू एनीवन एनी टाइम. देखिए कितनी चीजें हैं थैंकफुल होने के लिए. टू रेज योर वाइब्रेशन, वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, overnight miracle will start happening in your life. आप खुद देखेंगे. All you need to do is you have to trust the timing, trust God, and trust the process. Start feeling grateful.
start feeling gratitude. Make your own gratitude journal. पांच चीजें नहीं लिखना चाहते, दस चीजें नहीं लिखना चाहते, तो कोई भी तीन या कोई भी दो चीजें लिखे सोने से पहले and you will see miraculous results in your life over time. So be thankful. So if you like my video, give it a thumbs up, share करें अपनी friends से, subscribe करें मेरे channel को ऐसी बहुत सारी videos के लिए और keep smiling and be happy.